प्यारे नौजवानों, आज हम विषय ले रहे हैं नशा कैसे छुड़ाया जाए। नशे से नौजवान क्यों ग्रस्त हैं, नशा किन चीजों को जन्म देता है, नशे में ग्रस्त लोग अपना कितना बुरा करते हैं, ये सिर्फ नशे करने वाले ही जानते हैं। हम जानते हैं कि ये नशा बुरी चीज है, फिर भी हम कर रहे हैं। हमें मालूम है कि ये नशा हमें किन किन बीमारियों को पैदा करेगा। सबसे पहले बीमारियों को ही गिनते हैं, सबसे पहले कैंसर की तरफ मुड़ते हैं। हर गुटके के ऊपर ये मौजूद होता है कि गुटके से कैंसर होता है, तंबाकू से कैंसर होता है। आजकल फिल्मों में भी कोई भी बीड़ी पीता है तो नीचे उसका विज्ञापन लिखा रहता है कि तंबाकू से कैंसर होता है या सिगरेट पीने से कैंसर होता है। कैंसर इतनी खतरनाक बीमारी है, कई बार ये लाइलाज भी हो जाती है। जैसे एक नौजवान लगातार 50-60 बीड़ियों का सेवन करता है, 50-60 बीड़ी वो कुछ कुछ घंटे के अंतर में पीता है, जैसे दो दो, चार चार, ऐसे लगातार कोई भी 50-60 बीड़ी नहीं पी सकता। हाँ, यदि भगवान से मनोकामना करे कि हे भगवान मुझे मृत्यु जल्दी दे दो, हे भगवान मुझे मृत्यु जल्दी दे दो, तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ 50 या 60 बीड़ी वो लगातार एक खत्म हो दूसरी मुंह में डाले, एक खत्म हो दूसरी मुंह में डाले। तो ये इतनी महाभयंकर बीमारी है कि ये सिरा किसी को मौत का वरदान मांगना हो तो लगातार वो बीड़ी सिगरेट पीता रहे तो ये कैंसर का जन्मदाता है। कैंसर ऐसा भयंकर रोग है कि ये मनुष्य के आंतों में सिकुड़न पैदा कर देता है। मनुष्य के आंतों में इतने छेद हो जाते हैं, मनुष्य के आंतों में इन सिगरेट के धुएं से कितने कीड़े पैदा हो जाते हैं कि ये बार बार वो चीज़ मांगता है। हालांकि तंबाकू में मेन चीज होती क्या है, निकोटिन। निकोटिन ऐसा जहर है जो 2-3 बूंद से ही कोई मानव या पशु को पिला दी जाए तो 5 मिनट के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि एकदम मनुष्य क्यों नहीं मरता, तो इसका तो जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं कि 50-60 बीड़ी लगातार पी ले, 50-60 सिगरेट लगातार पी ले तो उसकी मृत्यु अनिवार्य है। यदि वो 2-3 घंटे के बाद पीता है तो वो मृत्यु बहुत दूर चली जाती है, धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे उसके फेफड़े गलने लगते हैं, धीरे धीरे उसकी आंतें सूजने लगती हैं, धीरे धीरे उसके गले की ग्रंथियां खराब होने लगती हैं, धीरे धीरे सांस की प्रॉब्लम होने लगती है, धीरे धीरे खांसी उसे शुरू हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये तंबाकू हो या गुटखा हो या इससे संबंधित कोई भी वस्तु हो, वो यदि खा ली जाए तो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता ही है। मृत्यु से पहले वो भयंकर रोग से ग्रसित होता है। अस्पतालों में ऐसे मरीजों की लाइनें लगी होती हैं जो बीड़ी सिगरेट पीने से ही प्राप्त होती हैं। नौजवानों से नशा कैसे छुड़ाया जाए, इसके बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले, कोई नौजवान यदि पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कहे कि मैं इस चीज को छोड़ दूंगा और छोड़ना चाहता हूं और उसमें
वो कार्य करने की क्षमता है, लगन है, तो उसे वह छोड़ सकता है। सबसे पहले है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास जिसे होगा वो कोई भी कार्य कर सकता है। और उसे आत्मविश्वास है कि मैं ये चीज छोड़ सकता हूं, तो धीरे धीरे उसे छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हर वस्तु का कोई ना कोई तोड़ होता है। इस तंबाकू का भी तोड़ है। कुछ काली मिर्च पीस करके उसे जेब के अंदर रखे और जब भी तलब लगे वो चुटकी चूर्ण मुंह के अंदर डाल ले। इसके साथ सौंफ इलायची का चूर्ण भी रखे। यदि काली मिर्च का असर खत्म हो जाए, साथ ही साथ सौंफ इलायची कूट करके जो उसका चूर्ण भी मुंह के अंदर रखे, ताकि मुंह भी सुगंधित रहे। ऐसा सुगंधी उसके मुंह में रहेगी तो तंबाकू पीने में उसे जी नहीं करेगा। दूसरी चीज है संगठन। कोई भी नशेड़ी तंबाकू पीने वाला नौजवान यदि ये कहे कि आपका क्या जाता है, मैं तंबाकू पी रहा हूं, आपके कौन से पैसे लग रहे हैं, मैं अपने पैसे का पी रहा हूं, आपको क्या दिक्कत है, हैं? तो संगठन से उसे हम लोग समझा सकते हैं। यदि कुछ लोग मिलकर के उसे प्यार से समझाएं कि देखो ये तंबाकू बहुत ही खतरनाक चीज है और तुम इस मोहल्ले में या इस गली के अंदर तंबाकू मत पिया करो, क्योंकि जो ये धुआं है 20% 25% ही अंदर जाता है, बाकी 75% ये धुआं सारे समाज को मिलता है। जो नहीं पीने वाले हैं वो भी बेचारे इनका शिकार हो रहे हैं। इसलिए संगठन में बहुत शक्ति है, लेकिन संगठन के लोग भी इन नशों से मुक्त रहें। संगठन के लोग यदि बीड़ी तंबाकू का सेवन करने वाले हैं तो उस नौजवान नशेड़ी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस नौजवान को मालूम है कि जो मुझे रोक रहे हैं वो भी इन चीजों को लाइक कर रहे हैं, वो भी इनको वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं, तो मैं क्यों रोकूं। इसलिए जो संगठन में जो व्यक्ति हों वो नशा ना करने वाले हों, नशों से बचने वाले हों और लोगों को बचाने वाले हों। इतना ही मेरा कहना था कि कोई भी नौजवान प्रथम आत्मविश्वास, दूसरा उसे लगन होनी चाहिए, तीसरा उसे ये भी अनुभव होना चाहिए कि मैं जैसे ही इस नशे को छोड़ूंगा तो मैं उन्नति करूंगा, मैं समाज को अच्छी दिशा दूंगा। धन्यवाद।